व्यूअर्स, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। अभी हम पार्ट टू की वीडियो बना रहे हैं, ये जिसमें हमने पार्ट वन में तो आपको पहले बता दिए कि कौन कौन से पेयर है। जो हमने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलियन का एक पेयर था, जो हमने दो पेयर से उमर भाई ने स्टार्ट किए थे, तो उसका ये दूसरा पेयर यहाँ आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, उमर, इस बारे में पेयर के बारे में कुछ बताओ। अच्छा, ये आपको जिस तरीके से नज़र आ रहा है, ये हमारा अभी हम इसके अंदर का भी विजिट करवाएंगे आपको, क्या इसके रिजल्ट्स चल रहे हैं। ये भी जो नज़र आ रहा है ये आपको, ये किंग पैरट का इसका नर है, और इसके साथ जो हम लोग ने मादा रखी है वो बजरी की मादा रखी है, और इसके काफ़ी अच्छे हमारे पास रिजल्ट है। ये हमारा सेकेंड ओल्डेस्ट जो है वो नर है, ये वाला पेयर है, और इसने अब तक जो है माशाल्लाह से 6 से 7 मरतबा ये ब्रीड करवा चुका है, और इसके हर मरतबा जो है ना वो रिजल्ट हमारे को 5-6 बच्चे लाजमी निकलते हैं। माशाल्लाह, मतलब 7 बार, 5 से 6 बार, 6 से 7 बार ब्रीड कर चुका, हर रिजल्ट में 4 से 5 बच्चे निकले माशाल्लाह। तो इसको खाने का अगेन यूजर्स यही बोल रहे होंगे कि भाई क्या बाजरा देते हैं, क्या इनको ऐसी खुराक रखते हैं, बस यही चीज़ें हैं कि बस टाइमली जो है वो आप इसको खाना दें। और नॉर्मल बाजरा होता है इनका, और लकड़ी वाले चावल प्लस जो है वो पतला बाजरा, बारीक बाजरा, कनकी होता है, और इसके ना जो है ना मेन चीज़ जो बड़ी शौक से ये लोग खाते हैं वो खाते हैं मकई। ऑस्ट्रेलियन भी है, और भुट्टे के अगर आप गीले करके दें, और गेहूँ जो होता है वो आप इसको नरम करके दें। नरम मतलब अगर साबुत अगर आप डालेंगे तो वो नहीं खाएंगे, अगर आप उसको पानी में भिगो कर अगर इनको देंगे तो पूरी रात भिगोगे, राइट? हाँ बिल्कुल, वो बहुत अच्छे रहते हैं और काफी अच्छा उसका रिजल्ट है। चले हम आपको दिखाते हैं अंदर का रिजल्ट। हमारे इसका अंदर का विजिट कर रहे हैं, सही है, आ जाए। चले भाई स्टार्ट करते हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है कि कितने बच्चे होंगे इसके? मेरे हिसाब से तो जिस तरह का है तो 4 बच्चे ही होंगे। हाँ, इस तरह पहले अंदर जाके विजिट करते हैं इसका। माशाल्लाह से बिस्मिल्लाह जी। व्यूअर्स, जैसा आपको दिख रहा है, जैसा मैंने कहा था आपको, ये हर मरतबा जब भी ब्रीड करता है तो इमरान आप खुद बताएंगे 1-2-3-4, और सामने देखें अगर आपको माता के बिल्कुल बराबर में नजर आएगा तो जैसे, हाँ बिल्कुल राइट, आपको देख ही रहे हैं 5 बच्चे, जो कि अभी बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, और काफ़ी अच्छे इनके जो है ना वो रिजल्ट रहते हैं, और काफ़ी देख रहे हैं। मादा को अगर हम दिखाना चाहेंगे, देखें बजरी की मादा है, ये देखें आप खूबसूरत मादा माशाल्लाह से, और ये जैसा हमने कहा था ये काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट रहता है। ये पेयर तो मेरे माशाल्लाह आप फीड इतनी अच्छी करा रहे हैं कि ये कंटिन्यूसली ब्रीड भी कर रहे हैं, तो बैक टू बैक इनके बच्चे 4-5 मैं चारे की भी वीडियो बनाता हूँ ताकि व्यूअर्स को नजर आए। देखें ये चारा है नॉर्मल, इसके अंदर कहीं मोटा बाजरा, बारीक बाजरा, लाल चावल, गेहूँ, कहीं ये सारी चीज़ें इसके अंदर, और ये रिजल्ट है इनका माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे। मेरे को लग रहा है कि ये जो है ना इनके कंट्रास्ट के बच्चे निकल रहे हैं। हाँ देख रहे हैं बच्चों के पेट, देखें कितने भरे हुए हैं, मतलब ये प्रॉपर इनको फीड भी करते रहते हैं। और इसका नर है, देखिए अगेन दिखाते हैं आपको नर, ये इसका नर है, रेम्बो का नर है, रेम्बो नर है, ये अंदर चलाइए, अंदर का दिखाते हैं क्या कर रहा है। मैं बच्चों को ब्रीड कर रहा है, ये देखा ठीक करवा रहे हैं। हाँ ये देखा, ये देखा ठीक करा रहे बच्चों को बढ़े। चले अब आगे बढ़े। ठीक है आगे बढ़ते हैं। मैं दूसरे पैर के बारे में बताऊँगा, ये पैर है दूसरा। अब ये इस कॉलोनी के अंदर जाते हैं, इसके अंदर हम लोग ने 3 पेयर रखे हुए हैं, ठीक है, बजरी के रेड फेलोज हैं और रेड आइज हैं इसके अंदर, तो ये भी हम आपको दिखाते हैं साथ में। थोड़ा सा मुश्किल होगी अंदर जाना, ठीक है, थोड़ा सा नज़र नहीं आएगा। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इसके अंदर मुझे तो कुछ खास नहीं, मैं देख कोशिश करता हूँ ले आने की जितना ले आ सकता हूँ, लेकिन हाँ इसमें कुछ बच्चे तो नज़र आ रहे हैं उधर मुझे, काफ़ी बच्चे हैं इसके अंदर। हाँ इसके अंदर मुझे दो बच्चे तो नज़र आ रहे हैं, अभी भी जो है वो एक अंडा पड़ा हुआ है और उसमें से निकल सकता है, लेकिन इसमें मैं बच्चे आपको गिनती बताता हूँ, वैसे आपको नज़र तो आ रहे होंगे इसमें है तकरीबन 4 से 5 बच्चे हैं इसके अंदर भी। हाँ और तकरीबन 3 अंडे हैं, 2 अंडे हैं, तो इसका मतलब है अभी भी गुंजाइश है कुछ निकलने की, और तो काफ़ी अच्छा है इसके अंदर। अच्छा जो इसका जो जोड़ा है वो रेड आइस और फैलो, लेकिन देखा दिख रही होगी आपको रेड आइस की मादा है और फैलो इसका नर है। बिल्कुल आगे वाली मटकी में बढ़ते हैं, चलो इसमें कितने हैं हमारे, इसके अंदर है तकरीबन इसमें एक बच्चा है जो अंडे में से निकला है,
ऐसे और दो बच्चे और नज़र आ रहे हैं मुझे, दो या तीन बच्चे। अभी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है इसका, अच्छी रिजल्ट है। और थोड़ा सा कोशिश करूँगा घर को हटाने की, ताकि बच्चे देख सकें। हाँ, तीन बच्चे, तीन बच्चे हैं और अभी अभी निकले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक दिन हुआ है शायद। अब इस वाली मछली को थोड़ा सा दिखाना मुश्किल है, उसका हाथ करना पड़ेगा मुझे पूरा। मैं कोशिश करता हूँ जल्दी। अच्छा, ये मुझे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग को दिख रहा होगा इसके अंदर बच्चे अंडे भरमार है, अंडे अंडे की भरमार है। सभी में पाँच से आठ अंडे देखें। मैं कोशिश करता हूँ फिर भी देखने की, और होप तो अल्लाह से यही है कि उम्मीद है कि इस तरह के बच्चे निकलेंगे काफ़ी अच्छे। अच्छा, गेम जो इनके जोड़े हैं वो यही है, नॉर्मल रेड आइस मादा हैं, फैलो हैं और कुछ बजरी इसके अंदर डाले हैं हमने। तीन पेयर हैं इसके अंदर टोटल, तीन मटकियाँ दीजा प्रॉपर। और ये छोटे से सेटअप के अंदर ही ब्रीड कर रहे हैं माशाल्लाह से, बड़ा अच्छा सेटअप चल रहा है हमें। अच्छा, इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? नीचे वाले पोर्शन में आते हैं, इस वाले में दिखाएंगे हम आपको। इसमें भी जो है वो दो जोड़े छोड़े हैं हमने, और इसमें भी दो जोड़े हैं, दो से तीन जोड़े हैं इसके अंदर। सही हूँ मैं। इसमें सारे बजरी, ग्रीन बजरी, राइट? यस। ये देखो इसमें क्या है भाई, इसमें भी मादा जो है वो अंडों को रहती है। हो सकता है कोई बच्चा भी हो, कोशिश करता हूँ मिलाने की मादा को। आई थिंक अंडों पर रहती है मादा से। माशाल्लाह से अंडे देखें आप, माशाल्लाह से तीन, दो, तीन से सात, सात अंडे, सात अंडे माशाल्लाह। तो डिस्टर्ब नहीं करते? बिल्कुल बिल्कुल, इसको ऐसे हम बाहर आ जाते हैं। आगे अगली वाली मछली में देखते हैं, इसमें देखें माशाल्लाह से बच्चे, इसके अंदर भी माशाल्लाह से तकरीबन देख रहे हैं आप लोग व्यूअर्स, जिस तरीके से छोटा सा सेटअप है और इसके रिजल्ट देखें। बिल्कुल रिजल्ट माशाल्लाह से बहुत अच्छे आ रहे हैं उमर इसके। मतलब सारी बात ये है, अच्छा मैं अगेन में व्यूअर्स को ये बोलता हूँ कि भाई जो भी वीडियो शेयर कर रहा है, यूज कर रहा है या कहीं पे भी, तो वो अपने टिप्स भी शेयर करे ताकि यूजर्स को जो है वो फायदा हो, ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। बिल्कुल, आप जो भी देख रहे हैं लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। हाँ, ये देखिए इनके ये पूरे पेयर्स है, ये देख रहे हैं। तो मैं टिप्स भी आपको बता दूँ, टिप्स बिल्कुल सेम है, सेम में कुछ ज्यादा वो नहीं है। इनका बस ख्याल ये है कि आप टाइमली जो है इनको खाना वगैरह दें, बिल्कुल नॉर्मल रखें, और पोर्शन अच्छे से अच्छा बनाए, उनके मतलब का बनाए। मटकी जब भी आप रख रहे हो उसके अंदर, तो ज़्यादा से ज़्यादा दो या तीन मटकियाँ रखो, अगर आप दो तीन पेयर छोड़ते हो उसके अंदर, ताकि क्योंकि वो लोग क्या करते हैं मटकी को थोड़ा सा समझने में टाइम लेता है, लेकिन जब वो समझ जाते हैं तो उसके बाद फिर वो आसानी से ब्रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, हमने आपको अभी तक ये वाला एक पोर्शन विजिट करा दिया, हमने आपको ये लव बर्ड का करवा दिया, और हमने आपको ये वाला एक करवा दिया, राइट? ये पूरा पोर्शन ऊपर से नीचे तक हमने आपको करवा दिया। अभी हम एक और दूसरी तरफ जाएंगे, वो है ये वाला। ठीक है उमर, इसके बारे में बताओ यहाँ, इस पोर्शन के बारे में कुछ। ये सेटअप जो है वो पूरा आपको दिख रहा है, ये जो सेटअप है पीछे से दिखाएंगे इमरान, बिल्कुल पीछे से दिखाएं व्यूअर्स को। ये भी जो है वो घर के अंदर बनाया। अच्छा, ये खुद अपने हाथों से बनाया हुआ, राइट? चार पोर्शन इसके अंदर हमने बनाए, ठीक है, छोटे छोटे से, सही है ना? तो आप इसके अंदर का विजिट करवाते हैं, ठीक है? इसके अंदर भी हम लोग ने ऑस्ट्रेलियन रखे ना, सही। इनमें से कौन कौन? काफी हमारे जो है ना वो वेट करते हैं, तो इस हम लोग शौकीन भी ऑस्ट्रेलियन के रखने के, लबर्ड भी हम लोग ने रखे हैं, सही। बाकी वाली हम ऑस्ट्रेलियन ही रखते हैं, पिंचे भी रखी हैं, लेकिन जो रिजल्ट हमारे को अब तक मिल रहे हैं वो ऑस्ट्रेलियन के सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं। लबर्ड के भी हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलियन इतने ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल, पिंचे भी हमारे पास। अच्छा, इसमें आपको जैसे कि ये नर नज़र आ रहा होगा, फैलो का नर है, राइट? ये बिल्कुल फैलो का नर है। और मादा कौन सी? मादा जो है इसकी ऑस्ट्रेलियन है, बजरी है, बजरी मादा है। तो इसके अंदर भी दिखाते हैं, इसका भी अभी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है, उसके चार से पाँच बच्चे निकल चुके हैं, जो कि हम लोग ने अपनी कॉलोनी में शिफ्ट कर दिए हैं, सही है ना? तो अभी एक हो सकता है कि एक बच्चा इसके अंदर हो, जैसे मैंने अपने भाई से पूछा था, उसने मुझे बताया कि अभी इसके अंदर एक बच्चा है, तो उसका काफ़ी अच्छा, अगर मेरे को वो दिखता है बच्चा तो मैं दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा पेयर निकला है बच्चों का, पर्पल कलर का निकला है, सही। मतलब दोनों का क्रॉस निकला है, अलग ही कलर निकला, राइट? बिल्कुल, चलो ठीक है, अंदर दिखाते हैं हम आपको, ठीक है? हमारे इसके विजिट कराएं, ठीक है? ये हम
आ गए हैं। अच्छा एक बच्चा ये रहा, ठीक है। और कितने हैं ना, एक अंडे राइट, दो बच्चे हैं इसके अंदर। सही, देखिए बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको जो है ना अपने कॉलोनी के अंदर शिफ्ट करने वाले हैं। सही, और काफी अच्छी छाप आई है बच्चों के ऊपर, देखें ग्रे हैं, ग्रे पैरेट है। बिल्कुल माँ बाप से दोनों अलग ही बच्चे निकले हैं। और एक अंडा भी पड़ा हुआ है अभी। सही, वो तो मुझे इसकी मादा है। सही, 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 और काफी अच्छा इसका जो है वो जोड़ा इसका पूछ में, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, काफी अच्छा रिजल्ट है। अब हम जाते हैं इसमें, बच्चे नजर आ रहे हैं। हाँ बच्चे नजर आ रहे, कितने तीन बच्चे रहे, चार बच्चे, चार बच्चे माशाल्लाह से, कितने दो, एक दो अंडे हुए। और ये देखें इसकी मादा देखें, काफी अच्छी ब्रीड है। हाँ काफी बड़ी साइज की मादा है। सही देखें, और गुस्से में काफी, सही सही, हमें बाहर आ जाना चाहिए, काफी ज्यादा गुस्से में मादी। तो ये कोई बच्चों को नुकसान ना पहुँचाए, तो हम आगे आते हैं। तो काफ़ी आप लोग को रिजल्ट दिख रहे हैं, प्रोग्रेस आपको दिख रही है, तो हम बिल्कुल शेयर करना चाहेंगे आप लोग के साथ। लेकिन आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें ना, ताकि आपको और भी मिलता रहे रिजल्ट। अच्छा इसमें जो है वो ये एक ऑस्ट्रेलियन अपना जो है रेड रेड आइज की मादा है, येलो का नर है, और बजरी की जो है उसके अंदर मादा है। और इसके अंदर अभी बच्चे तो नहीं है, लेकिन अंडे डले हैं इसके अंदर। पहले इनका बच्चे निकल चुके हैं। हाँ इनसे इनके बच्चे भी पहले भी निकल चुके हैं, हमने अपनी कॉलोनी के अंदर भी इनको शिफ्ट करा है। काफ़ी अच्छे बच्चे निकलते हैं इनके, काफ़ी सेहतमंद। सही माशाल्लाह, ठीक है। तो ये है हमारे चार पोर्शन इस वाले पिंजरे के। तो अब सो व्यूअर्स, आपने देखा होगा कि ये आज हमने आपको अपने सारे उमेर के जितने भी बर्ड्स हैं वो विज़िट करवाए हैं। ये इनके कुछ अलग से बच्चे अच्छे निकले हुए हैं, तो आप ये विज़िट कर सकते हैं। इसके अंदर ये देखें क्रस्टेड भी है माशाल्लाह, क्रस्टेड का बड़ा अच्छा नर है। इसके अंदर ये फैलो की बड़ी अच्छी मादा है, ऊपर देखें बैठी हुई क्रस्टेड के नर के साथ। और मैं आपको दिखाऊँ ऊपर, देखें माशाल्लाह से इसमें क्रीमी मादा है रेडाई की। देखें उसका भी पेड़ लग गया है नर के साथ, बजरी के नर के साथ, तो आप ये देख सकते हैं। और एक ये मादा हमने थोड़ी सी अलग रखी, जिसको थोड़ा सा आँखों में इन्फेक्शन हो गया था, तो उस वजह से हमने इसको अभी एक हफ्ते के लिए अलग किया। तो माशाल्लाह अब तो काफ़ी बेहतर हो गई है, तो इंशाल्लाह इसको भी हम किसी नर के साथ लगाएंगे। सोच रहे हैं हम कि इसको इंशाल्लाह क्रस्टेड नर के साथ लगा दें, तो इसका और इसका पैर बड़ा अच्छा लग जाएगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। अच्छा व्यूअर्स, देखें ये आपने विज़िट तो कर ली होगी, इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट विज़िट करवाएंगे इसकी पूरी, अंदर से पूरी विज़िट कराएंगे इस मटकी की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा में ज़्यादा कमेंट करें, ताकि और भी लोग इससे इंफॉर्मेशन मिलती रहे लोगों को। हम इसकी भी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट बार कराएंगे, ठीक है व्यूअर्स। इजाज़त दीजिएगा, बस आखिरी मैसेज यही कहूँगा कि सब्सक्राइब करें चैनल, बेल बटन पर क्लिक करें, और ज़्यादा में ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़।